मैं समय एमपी गुजरात बॉर्डर पर खड़ा हूं और आज कहानी आपको मजदूरों की दशा देखकर एक कहानी सुनाऊंगा गिरमिटिया मजदूरों की। क्या आपने कभी सुना है गिरमिटिया शब्द क्या है और गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? इस कहानी से मैं मौजूदा प्रवासी मजदूरों के संकट को जोड़ के आपको बताऊँगा। जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था और अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में कोई ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पर उनका कब्जा न हो, उनका उपनिवेश न हो, जहाँ पे सूरज की किरणें जाती थी वहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत थी। तो उनके उपनिवेश में मॉरिशस भी था, सूरीनाम भी था, फिजी भी थी, वेस्ट इंडीज भी था, श्रीलंका भी था, तमाम देश थे। और इन देशों में अंग्रेजों को सस्ते लेबर की ज़रूरत पड़ती थी और करीबन 100-125 साल पहले अंग्रेज भारत से काफ़ी सस्ती लेबर देखते हुए भारत से कई मजदूरों को लेकर गए थे। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहा गया था और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वादा किया गया था अंग्रेज़ों की ओर से कि आप जहाँ भी जाएंगे उनको पानी के जहाज़ में भर के ले जाया गया। उनसे कहा गया था कि आपको बेहतर सुख सुविधाएं वहाँ पर मिलेगी, आपको समय समय पर भारत में लाया भी जाएगा। ये वादा था और इस वादे में उलझ के भारत के कई मज़दूर वेस्ट इंडीज़ के अलग अलग द्वीपों में, सूरीनाम में, फिजी में, मॉरिशस में, श्रीलंका में, ऐसे मालदीप में, तमाम देशों में पहुंच गए। लेकिन उनसे वहां पर उनको ना तो ठीक से वेतन दिया गया, न सुख सुविधाएँ दी गईं और जब वापसी की बारी आई तो अंग्रेज़ों ने उनको वापस लाने से मना कर दिया। उस समय कोई सड़क नहीं थी, कोई हवाई जहाज़ नहीं थे और ये वो उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के जो समुद्र के द्वीप थे, यानी कहीं कोई सड़क मार्ग नहीं था। लोग परेशान होते रहे और बाद में आज हालत ये है कि वही प्रवासी श्रमिक उन्हीं उपनिवेश के नागरिक बन गए। ये बात अलग है कि आज अपनी काबिलियत से वहाँ पर कई भारतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहाँ के फिजी हो, मालदीप हो, वेस्ट इंडीज हो, ऐसे तमाम देश हों। आज जब हम प्रवासी मजदूरों की बात करते हैं झाबुआ, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश और भारत की, तब भी यही होता है कि जो ठेकेदार मजदूरों को लेकर जाता है या सरकार जो जिस तरीके से जाती है, वादा करती है कि आपको बेहतर सुख सुविधाएं देंगे, आपको आने जाने की सुख सुविधाएं भी हासिल होगी। लेकिन आज जब कोरोना यानी कोविड-19 का संकट है, तब हाल क्या है? मज़दूरों को उनके हाल पर सरकारों ने भी छोड़ दिया, जिन कंपनियों में काम करते थे उन्होंने भी छोड़ दिया, जो ठेकेदार उनको लेकर गए थे उन ठेकेदारों ने भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। तो ये हालत है। तो क्या आज के इन प्रवासी मजदूरों की कहानी गिरमिटिया मजदूरों से कम है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहा गया था, बाद में उनको गिरमिटिया कहा जाने लगा? तो आज आज़ादी के 72 साल बाद करीबन 100-125 साल पुरानी ये कहानी गिरमिटिया मजदूरों की मुझे याद आई, मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि आप भी मजदूर हैं, कामगार हैं, आपको भी ये जानना ज़रूरी है। फ़र्क ये है कि वो बाहरी लोग थे, अंग्रेज़ थे, अब आपके अपने लोग, आपकी अपनी सरकार, आपके अपने ठेकेदार, अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो आपके साथ वही व्यवहार कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये वही व्यवहार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।